सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। मैं मम्मी हम जा रहे हैं शहर, घर का सामान लेके आना है। और भाई ठंड बढ़ती जा रही है, आज तो सूरज देवता मुझे लग रहा आएंगे ही नहीं। आ नहीं आते, दिखा सूरज देवता 11 बजे, 11:30, 12 बज रहे, 11:50 बोलिए। आज दुकान देर से ही खुलेगी? अच्छा हाँ, हड़ताल की वजह से दुकान लेट खुल सके। सर्दियों में तो थोड़ा लेट ही खुले। चलो चलते हैं अपनी गड्डी। हमारी गड्डी हो रही फिलहाल गंदी, और थोड़ा लेट खुलने का कारण एक और भी है, वो ये है। ओ भाई कितनी गंदी हो रही गाड़ी, ठीक है धूल साफ करनी पड़ेगी, उसके बाद चला जाएगा। पहले तो मैं से थोड़ा स्टार्ट करके छोड़ दूँ, ठीक है, क्योंकि गाड़ी 2 दिन से खड़ी, कम से कम 2 days। थोड़ा होल्ड, इसके बाद 3, 2, and 1 स्टार्ट। हाँ जी, तो ये दूसरा कारण ये था, दूसरा क्या, पहला कारण मान लो ठंड, मान लो दूसरा कारण, क्योंकि मामला सीरियस है। जो ड्राइवर थे उन्होंने हड़ताल कर रखी थी ना भाई, उनके जो कानून आए थे कि अगर किसी ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ पे मर जाता है तो उसे 10 साल की जेल है, और उसके साथ साथ ही 10 लाख रुपये का उस पर जुर्माना है। तो सारे ड्राइवर उन्होंने हड़ताल कर दी थी कि नहीं होता भाई। बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई ट्रक आता है, अपनी अकेडमी चले, ट्रक आ रहा सामने से और हम हटते नहीं, वो उस पर टक्कर मार दे, वो इंसान मर जा, तो उसमें ड्राइवर की गलती है, ये बात भी है ना। तो इसलिए वो हड़ताल कर रखी थी, तो आज वो हड़ताल पूरी होगी। जो सरकार है उसने अपने जो कानून निकाले थे, जो पास करे थे उन्होंने, वो वापस ले लिए, तो हड़ताल ख़त्म। तो दुकानें ओपन, पंपे ही बंद हो गए थे। तो ये पंपे तो हमारे गाँव के चल रहे थे, हाईवे के बंद हो गए तो पता नहीं, मैंने सुनने में आया था कि पंपे बंद हो गए, पर हमारे गाँव के तो ऑन थे। तो घूमने तो तेल डलवा रखा गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गाड़ी साफ कर लूँ यार, ठीक है। मैं यार मम्मी आए रहे सब्जी मंडी, मम्मी फिलहाल गज्जर का मोल भाव कर दी, वो गज्जर बिगाड़ दी, वापस निकलवा दिया। 2 hours later भाई शॉपिंग होली मारी पूरी, और मैं मम्मी अब खा रहे छोले भटूरे, मंडी गई भाई, एक नंबर छोले भटूरे बना, एक नंबर खान भी लगी हुआ था। अरे वीडियो बना ले दो, चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं फिर मिलता है। और शॉपिंग में देखो ना क्या क्या खरीदा, पहले दिखा दूँ, ये देखो देखो पूरा उभर गया, जो कट्टा पूरा उभर रहा, इसमें घर के सामान है। और ये अपना है, ये बाल्टियाँ भी, वो ये सरप परप, और जो नीचे रखा ना उसमें सब्जी है, और जो डिग्गी है उसमें आलू कट्टा रखा। दिखा दो भाई, था मैं आलू कदी फिर नुका होगी, झूठ बोल रहा, ये रखा कट्टा आलू का डिग्गी में, ठीक है। A few moments later भाई हम आ गए अपना घरों, और मैं बहुत राजी, वो इसलिए क्योंकि मैं लेके आया हूँ अपने लिए बॉर्नवीटा बच्चों वाली चीज़ है। ओ भाई ये कट्टा दिखने में लग रहा बहुत भारी है, वैसे देखो मैं जो बाल्टी है ना, ये जो बाल्टी है ये सिरप के साथ मिली, 4 या 5 किलो का सिरप का वो है, इसके साथ एक बाल्टी, सुंदर लग रही ना। इस कट्टे में हमारा बोन बेटा ऊपर ही रखा दिखा है, ये रखा ऊपर ही रखा दिख रहा, ऊपर ही रखा बोलटा, अभी निकाल दें इसको। भाई रास्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई, एक ही फ़ोन लेके जाता हूँ मैं रास्ते में, और उसे गाने चलाता हूँ, तो वहाँ का बना दिया, यहाँ का बना दिया। और मैं सब बच्चे देखो अपनी बाल्टी उठा के चल दी चुपचाप, हैं कितनी उस्ताद वाली, वो मार दी भाई आडियो, ये मार दी इधर से, नुगा रे भाई रोक ले भाई, ये मार दी, हाँ लग गई और निशानी पड़ गया, ध्यान नहीं दिया, तेज खोल ली। चलो मैं ता लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम चक्कू नहीं निकालेंगे, छुरा निकालेंगे, चक्कू निकालेंगे बड़ा वाला। हमारा काम बस इससे है। मम्मी जी
मेरे लिए चाय बना लिया अपनी, इतनी जल्दी मेरे लिए दूध बना दो। भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो फटाफट, दो काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं मत करो, चिल करो।